हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी, उनके हेडक्वार्टर, उनकी इस्टेब्लिशमेंट और उनके करंट टाइम में हेड, अप्रैल 2022 तक जो भी हेड चुने गए हैं आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो टॉपिक रहता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, इससे 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आपको एक से दो क्वेश्चन ज्यादातर हर शिफ्ट में मिल जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। तो ऑर्गेनाइजेशंस को आप अच्छी तरीके से तैयार करें, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हर क्वेश्चन में हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल डिटेल में कवर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नासा हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। तो नासा जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। तो वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है नासा का। अगर नासा की बात करी जाए तो नासा की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। इस्टेब्लिश हुआ था 29 जुलाई 1958 में। अगर हेड की बात करी जाए तो स्टीव जगसुक और बिल नेल्सन। बिल नेल्सन जो है, आपको याद होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इनकी 2021 में ही अपॉइंटमेंट करी गई है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क जो जगह है, वहाँ पे हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन का। अगर यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो इसको एक बार देख लेते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, जिसको कि और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड न्यूयॉर्क, यूएसए में। अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करी जाए तो 11 दिसंबर 1946 में एस्टेब्लिश हुआ था यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन का। इसके हेड की अगर बात करी जाए तो कैथरीन एम रसल, ये एक न्यू अपॉइंटमेंट रहेगी आपकी 2022 की, तो ये आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। कैथरीन एम रसल आपकी नई हेड है यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ WHO। तो WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो जिनेवा जो जगह रहेगी स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे हेडक्वार्टर है WHO का। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, जिसके करंट टाइम में हेड रहेंगे टेड्रोस एडनॉम। इनके जो हेड रहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ ICC। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दुबई। दुबई में हेडक्वार्टर है ICC का। अगर ICC की बात करी जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर होता है दुबई, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। 15 जून 1909 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ICC की। इसके चेयरमैन कौन है? तो ग्रे बार्कले जो है, ये करंट टाइम में चेयरमैन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड। तो इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलोर। तो बेंगलोर जो कि कैपिटल है कर्नाटका की, वहाँ पे हेडक्वार्टर है आपका इसरो ऑर्गेनाइजेशन का। अगर इसरो की बात करी जाए तो फुल फॉर्म हमने इसकी देखी ली, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर कर्नाटका में। अगर इस्टेब्लिशमेंट आपसे पूछी जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, 15 अगस्त 1969 को इस्टेब्लिश हुआ था इसरो। इसके हेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, 2022 की ही अपॉइंटमेंट रहेगी, तो एस सोमनाथ को नया हेड चुना गया है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। इससे पहले कौन थे? तो इनसे पहले के सिवन थे, वो भी काफ़ी चर्चित रहते हैं, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके फाउंडर कौन है? तो विक्रम साराभाई के द्वारा फाउंड किया गया था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा WDC। WDC जो है, ये कैपिटल है अमेरिका की, यहाँ पे हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करी जाए तो वर्ल्ड बैंक को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है वर्ल्ड बैंक को, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। इस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1944 में। इसके करंट टाइम में हेड रहेंगे डेविड मालपास।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ईबुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनसे डायरेक्ट आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। आरबीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुंबई में हेडक्वार्टर रहेगा। 1 अप्रैल 1935 में ये फाउंड हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था कोलकाता में, और 1937 में इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। शक्तिकांत दास जो है ये करंट टाइम में गवर्नर रहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, जिसमें कि एक टी रविशंकर जो है वो अभी हाल ही में अपॉइंट करे गए हैं। चारों डिप्टी गवर्नर जो रहेंगे, आपको उनके जो नाम हैं अगर आपको पता है तो आप उनको जरूर कमेंट में टाइप करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ लोकेटेड। तो डीआरडीओ काफी चर्चा में चल रहा है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर रहेगा। 1958 में ये इस्टेब्लिश किया गया था और हेड रहेंगे इनके जी सतीश रेड्डी करंट टाइम में। डीआरडीओ जो है काफी सारी मिसाइल्स रहेंगी जो कि करंट टाइम में टेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से डीआरडीओ जो है ये अभी करंट टाइम में ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसकी जो मिसाइल्स रहेंगी आप उनको भी एक बार जरूर पढ़ लें, उनकी जो रेंजेस होती है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ UN लोकेटेड। तो यूनाइटेड नेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है UN का। UN की फुल फॉर्म आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। एंटोनियो गुटरेस जो है ये करंट टाइम में हेड हैं UN के। आपसे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि आपको 4 ऑर्गेनाइजेशन दे दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी गई थी, तो उसके लिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ BCCI लोकेटेड। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में हेडक्वार्टर है BCCI का। BCCI की अगर बात करी जाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस्टेब्लिश हुआ था December 1928 में। हेड जो रहेंगे वो कौन है, प्रेसिडेंट रहेंगे सौरभ गांगुली। सेक्रेटरी कौन है, तो जय शाह जो कि बेटे रहेंगे अमित शाह के, वो सेक्रेटरी हैं BCCI के। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरिस फ्रांस। तो पेरिस जो जगह है वहां पे हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। यूनेस्को की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। ये इस्टेब्लिश हुआ था 16 नवंबर 1945 में और करंट टाइम में हेड इंपॉर्टेंट रहेंगे ऑड्रे अजोले जो है ये हेड हैं यूनेस्को के। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ फीफा। फीफा जो है फुटबॉल से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है फीफा का। ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं वो स्विट्जरलैंड में रहेंगे, तो आप स्विट्जरलैंड में कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं उनको अलग भी कहीं पे कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे कि आप उनको लिंक करके सबको याद कर सकें कि इन सबके हेडक्वार्टर जो हैं वो स्विट्जरलैंड में लोकेटेड हैं। अगर फीफा की बात करी जाए तो फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। 21 मई 1904 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और गियानी इन्फेंटिनो जो है ये करंट टाइम में हेड है फीफा ऑर्गेनाइजेशन की। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ आशियान लोकेटेड। तो आशियान ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको पता होगा जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है आशियान का। आशियान की अगर बात करी जाए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इस्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 में। लिम जॉक हुई जो है ये करंट टाइम में हेड हैं आशियान के। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ IMF लोकेटेड। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा
वॉशिंगटन डीसी। तो वॉशिंगटन डीसी जो कि कैपिटल है अमेरिका की, वहां पे हेडक्वार्टर है आईएमएफ का। अगर आईएमएफ की बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। इसकी क्रिएशन आपसे पूछी जाती है, अब यहां पे काफी कंफ्यूजन हो जाता है 1944 में और 1945 में। तो इस्टेब्लिशमेंट तो 1944 में हो गई थी, लेकिन जो ऑफिशियल क्रिएशन हुई थी इसकी, जो ऑफिशियल क्रिएट किया गया था आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो आपका 27 दिसंबर 1945 उसका ईयर रहेगा। अगर इसके हेड की बात करी जाए तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया इसकी करंट टाइम में हेड है। इसकी पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर चुनी गई है, कौन है, गीता गोपीनाथ, जो कि पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी। 2022 की ही इनकी अपॉइंटमेंट है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इनको चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है, आपको ध्यान रखना है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगी गीता गोपीनाथ आईएमएफ की। अगर आपसे चीफ इकोनॉमिस्ट पूछा जाए कौन चुना गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेरे ओलिवियर। पेरे ओलिवियर जो है अब चीफ इकोनॉमिस्ट बन गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। दोनों ही एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, दोनों ही आपकी 2022 की नई अपॉइंटमेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IAEA लोकेटेड। IAEA का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हमारा आंसर है वियना ऑस्ट्रिया। IAEA की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। इस्टेब्लिश हुआ था 29 जुलाई 1957 में, और राफेल ग्रोसी जो है ये करंट टाइम में हेड रहेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रुसेल। ब्रुसेल में हेडक्वार्टर नाटो का। नाटो की फुल फॉर्म हो जाएगी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम। 4 अप्रैल 1949 इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। हेड कौन है, तो जेंस स्टोल्टनबर्ग जो है ये करंट टाइम में नाटो के हेड रहेंगे। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड। सार्क जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा काठमांडू नेपाल, जो कि कैपिटल है नेपाल की, वहां पे हेडक्वार्टर है सार्क का। सार्क की फुल फॉर्म हो जाएगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। इस्टेब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। हेड कौन है, तो इसाला वेराकून जो है ये करंट टाइम में हेड है सार्क ऑर्गेनाइजेशन की। आपसे मेंबर कंट्रीज पूछी जाती हैं, और इस तरीके से भी पूछा जाता है आपसे कि इंडिया जो है वो मेंबर है सार्क ऑर्गेनाइजेशन का या फिर नहीं है, और चाइना से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चाइना जो ये मेंबर नहीं है सार्क ऑर्गेनाइजेशन का, ये आप ध्यान रखें। इसकी 8 मेंबर कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 मेंबर कंट्रीज रहेंगी सार्क ऑर्गेनाइजेशन की। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की फुल फॉर्म होती है। जिनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर 1 जनवरी 1995 इस्टेब्लिशमेंट ईयर, और हेड इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, करंट टाइम में 2021 की ही अपॉइंटमेंट रहेगी। तो नगोजी ओकोंजो इवियाला ये जो है ये हेड हैं WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया। अगर ओपेक की बात करी जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है ये फुल फॉर्म रहती है ओपेक की, जो कि पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके, उनका एक ग्रुप रहेगा जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, और करंट टाइम में 14 मेंबर कंट्रीज हैं ओपेक की। हेडक्वार्टर हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया में। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी सितंबर 1960 में, और मोहम्मद बारकिंडो जो है ये करंट टाइम में ओपेक के हेड रहेंगे। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ ILO ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये भी रहेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है उनके आंसर जिनेवा स्विट्जरलैंड ही होते हैं, तो आप इनको एक साथ याद रखें। ILO की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इस्टेब्लिश हुआ था 11 अप्रैल 1919 में। गाय राइडर जो है ये हेड रहेंगे ILO के। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ ICRC लोकेटेड। ICRC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा। तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो भी लोकेटेड है जिनेवा में। ICRC की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहेगा। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 17 फरवरी 1863 में। हेड कौन है, तो पीटर मॉरियर जो है ये करंट टाइम में हेड है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस के। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि रेड क्रॉस डे जो होता है ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे जो होता है ये कौन सी डेट को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FAO ऑर्गेनाइजेशन, FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रोम इटली। रोम इटली में FAO का हेडक्वार्टर है। FAO की फुल फॉर्म हो जाएगी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है रोम इटली में, 16 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। और क्यू डोंगियो जो हैं ये करंट टाइम में हेड रहेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ WWF ऑर्गेनाइजेशन, तो WWF जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड। तो ग्लैंड जगह रहेगी स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे हेडक्वार्टर है WWF का। WWF की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। 29 अप्रैल 1961 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और मार्को लैम्बर्टिन जो है ये करंट टाइम में हेड हैं वर्ल्ड वाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन के। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ WMO ऑर्गेनाइजेशन, WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। WMO की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये इस्टेब्लिश हुआ था 23 मार्च 1950 में। और डेविड ग्रिम्स जो हैं ये करंट टाइम में हेड हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ ICJ ऑर्गेनाइजेशन, ICJ जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दी हॉग नीदरलैंड। ICJ जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है दी हॉग नीदरलैंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 26 जून 1945 में। और इसके हेड जो है वो जॉन ई डोगोगी जो है ये करंट टाइम में हेड रहेंगे ICJ के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जज जो होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है, उनका जो टर्म होता है, वो कितने साल का होता है, तो वो होता है 9 साल का 9 ईयर का। और इसको जो है वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ IMO ऑर्गेनाइजेशन, IMO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लंडन यूनाइटेड किंगडम। IMO जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन रहती है, जिसका हेडक्वार्टर है लंडन यूनाइटेड किंगडम में। ये इस्टेब्लिश हुआ था 17 मार्च 1948 में। और किटेक लिम जो है ये करंट टाइम में IMO के हेड रहेंगे। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ APEC ऑर्गेनाइजेशन, APEC के करंट टाइम में हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में हेडक्वार्टर है APEC का। APEC की फुल फॉर्म हो जाएगी एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। और ये इस्टेब्लिश हुआ था नवंबर 1989 में। रिबेका मारिया जो है ये करंट टाइम में हेड रहेंगी APEC की। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लंडन यूनाइटेड किंगडम। लंडन यूनाइटेड किंगडम में हेडक्वार्टर है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये फोकस करता है ह्यूमन राइट्स पे, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंडन यूनाइटेड किंगडम में है। जुलाई 1961 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और एग्नेस कैलमर्ड जो है ये करंट टाइम में हेड हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस लेने की कोशिश करी है इस वीडियो में, जिससे कि ज़्यादातर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो सब एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई जा सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ IOC ऑर्गेनाइजेशन, IOC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉसेन स्विट्जरलैंड। IOC जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि करंट टाइम में ओलंपिक चल रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं 2020 के, तो इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर हो जाएगा लॉसेन स्विट्जरलैंड में। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 23 जून 1894 में। थॉमस बैक जो हैं ये करंट टाइम में हेड हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ UNEP ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा आंसर हो जाएगा केनिया। केनिया में हेडक्वार्टर है UNEP का। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म रहेगी। हेडक्वार्टर है केनिया में। 5 जून 1972 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इंगर एडिसन जो हैं ये करंट टाइम में UNEP की हेड रहेंगी। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ UPU ऑर्गेनाइजेशन, तो UPU जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर है बर्न।
बर्न जो है एक जगह रहेगी स्विट्जरलैंड में, वहां पे हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका यूपीयू ऑर्गेनाइजेशन का। अगर यूपीयू की बात करी जाए तो यूपीयू की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर है बर्न स्विट्जरलैंड में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 9 अक्टूबर 1874 में। इसके करंट टाइम में हेड कौन है, तो मासाहिको मितोकी, मासाहिको मितोकी जो है ये करंट टाइम में हेड रहेंगे आपके यूपीयू ऑर्गेनाइजेशन की। ये भी अभी आपकी 2021-22 की अपॉइंटमेंट रहेगी, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ WFP ऑर्गेनाइजेशन, WFP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रोम इटली, रोम इटली में हेडक्वार्टर रहेगा WFP का। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, हेडक्वार्टर है रोम इटली में, इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में और डेविड बेस्ले जो हैं ये करंट टाइम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेड रहेंगे। अब दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से आपको याद आया होगा इनको नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो अगर आपको ध्यान है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कौन से साल में नोबल पीस प्राइज दिया गया था तो आप हमको कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ UNWTO ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पेन, स्पेन में जो जगह रहेगी, स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड, वहां पे हेडक्वार्टर रहेगा UNWTO। अब WTO जो है वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और UNWTO जो होता है ये होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 नवंबर 1975 में और जुरब पोलो लिकाश विली जो है ये करंट टाइम में हेड रहेंगी WTO की, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ WEF ऑर्गेनाइजेशन, WEF का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। WEF होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कोलोगनी जो जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। 24 जनवरी 1971 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और क्लॉस सचवेब जो है ये करंट टाइम में हेड रहेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। Where is the headquarter of UNDP organization? तो UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। UNDP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में। 22 नवंबर 1965 में ये इस्टेब्लिश किया गया था और HM स्टैनर्ड जो हैं ये करंट टाइम में हेड रहेंगे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के। Where is the headquarter of ICAO ऑर्गेनाइजेशन, तो ICAO जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा जो जगह है वहाँ पे हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका ICAO ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ICAO ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में। आपको ध्यान रखना है इस्टेब्लिशमेंट अगर आपसे पूछी जाए तो 4 अप्रैल 1947 में इस्टेब्लिश किया गया था ICAO को। इसके करंट टाइम में हेड कौन है, तो जुआन कार्लोस गोमेज इसके करंट टाइम में हेड रहेंगे। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ IFED लोकेटेड, तो IFED जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रोम इटली। IFED की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। दिसंबर 1977 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और गिलबर्ट होब्बो जो हैं ये करंट टाइम में हेड रहेंगे IFAD के। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ ITU लोकेटेड, ITU का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। ITU की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन इसकी फुल फॉर्म है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, 17 मई 1865 में इस्टेब्लिश हुआ था और होलेनजाउ जो हैं ये करंट टाइम में हेड रहेंगे ITU के। Where is the headquarter of IOM organization? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो IOM जो है इसका भी हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में ही। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इसकी फुल फॉर्म रहेगी, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 6 दिसंबर 1951 में हुई थी। एंटोनियो विटोरिना जो है ये करंट टाइम में हेड हैं IOM के। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ ITC? ITC जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। ITU रहेगा इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1964 में और CEO रहेंगे दोरोथी थेम्बो।
एडीबी, अगर एडीबी की बात करी जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो फिलीपींस में कहाँ पे रहेगा, तो मनीला जो जगह है फिलीपींस में, वहाँ पे हेडक्वार्टर है एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक फुल फॉर्म रहेगी। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। हेड कौन रहेंगे, तो मत्सुगु आसाकावा जो है ये करंट टाइम में हेड है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आशियान लोकेटेड, आशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया। आशियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया में। 8 अगस्त 1967 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और लिम जोक हुई जो है ये करंट टाइम में हेड रहेंगे। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ आई एस ए ऑर्गेनाइजेशन, आई एस ए जो ऑर्गेनाइजेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा इसकी इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी, इसको फाउंड किया गया था। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। 30 नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम में उनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। करंट टाइम में हेड रहेंगे अजय माथुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हेड आपसे पूछे जा सकते हैं। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ EFTA ऑर्गेनाइजेशन, EFTA का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर है। हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, उसमें 20 प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। तो EFTA जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्टैब्लिश हुई थी 3 मई 1960 में और हेनरी गेटेस जो है ये करंट टाइम में हेड रहेंगे यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसके लिए ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें 100 से ज्यादा टॉपिक कवर करे गए हैं। चाहे कोई भी टॉपिक हो उसकी हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी इसमें। तो लिंक जो है इस प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसमें जाके इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों ईबुक जो है, जो हमारी करंट अफेयर की ईबुक है 29 रुपीज में मिल रही है आपको, और 2000 क्वेश्चंस की ईबुक आपको 99 रुपीज में मिल रही है। तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके एग्जाम्स के लिए, आप उनको जरूर बाय करके देखें। धन्यवाद दोस्तों।